अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थी टिप्स डायरी। व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तरबूज वाटरमेलन के बारे में। वाटरमेलन में पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, पानी का कॉन्टेंट उसमें अच्छा होता है, तो जिनको भी जिनके पानी की कमी हो जाती है जिससे, और जो काफ़ी लोग होते हैं जो पानी पीना भूल जाते हैं, जो बोलते हैं कि मुझे पानी पीना याद नहीं रहता, तो वाटरमेलन अगर वो खाएंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पानी की मिकदार जो होती है वाटरमेलन से पूरी हो जाएगी उनकी। तो इसलिए वाटरमेलन जो है पानी के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम अपनी वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि वाटरमेलन की क्या बेनिफिट होते हैं, वाटरमेलन की फ़ायदे क्या क्या होते हैं, और क्यों खाना चाहिए वाटरमेलन, और जो है वाटरमेलन कब खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें हम जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तरबूज वाटरमेलन। तरबूज खाने से सेहत को होने वाले फवायद जानते हैं। ये फल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तरबूज वो फल है जिसके सुर्ख रंग को देखते ही फरहत का एहसास होता है। सुर्ख रंग के फल के बारे में माना जाता है कि इसे खाने से मुतअद्दिद अमराज़ से तहफ़ुज़ मिलता है। तरबूज में किसी भी फल या सब्जी के मुकाबले में ग़िज़ाई अज़ा की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तरबूज जितना ज़्यादा पका हुआ होगा सेहत के लिए उतना ही ज़्यादा मुफीद होगा। तो इस मज़ेदार फल के वो फवायद जाने जिनको जानकर इसका जायका मजीद बेहतर महसूस होने लगेगा। सूरज की शुआओं से तहफ़ुज़। मौसमी गर्मा में सूरज की तपिश से जल जलने का खतरा बढ़ता है, मगर तरबूज में मौजूद लाइकोपीन नामी एंटीऑक्सीडेंट्स इससे बचाने में मदद फराहम करता है। सेहतमंद दिल। तरबूज में एक एमिनो एसिड क्यूरकुलिन की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर ब्लड प्रेशर की सतह में कमी लाने में मदद फराहम करता है। इसके साथ साथ लाइकोपीन से भी दिल की सेहत को फायदा होता है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित होता है कि लाइकोपीन के इस्तेमाल से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। जोड़ों को तहफ़ुज़ फराहम करें। तरबूज में मौजूद ग़िज़ाई अज़ा जोड़ों को वर्म से तहफ़ुज़ फराहम करता है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि तरबूज खाने से जोड़ों के अमराज का खतरा कम हो सकता है। आंखों के लिए मुफीद। तरबूज के एक टुकड़े को खाने से जिस्म को रोजाना दरकार विटामिन ए की 9 से 11% मिकदार मिल जाती है। विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए बहुत अहम होता है, और इसकी कमी से उम्र बढ़ने से बिनाई में तंदली का खतरा बढ़ता है। जिस्म को पानी की कमी से बचाइए। तरबूज का 90% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, तो इस फल को खाने से डिहाइड्रेशन से बचने में मदद मिलती है। हमारे जिस्म की तमाम फलियात को अपने फाल के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और पानी की मामूली कमी से भी थकावट और सुस्ती जैसे मसाइल का सामना होता है। जिल को भी बेहतर बनाइए। जिल को हमवार रखने के लिए विटामिन ए, बी, 6 और C अहम होते हैं, और तरबूज में ये सब मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ तरबूज में पानी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे भी जिल को फ़ायदा होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। मीठा खाकर भी ब्लड प्रेशर की सतह को मुस्तहकम रखना चाहते हैं तो तरबूज बेहतरीन फल है। ख्याल रहे कि चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, इसके मुकाबले में कुदरती मिठास सेहत को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। इस फल में मिठास तो काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम होती है, जिसके बायस इसे खाने से ब्लड शुगर की सतह में तेज़ी से इजाफा नहीं होता। तरबूज में चिकनाई और सोडियम मौजूद नहीं होते, और इससे भी सेहत को फ़ायदा होता है। वर्जिश के लिए तैयार करें। तरबूज में मौजूद पानी एंटीऑक्सीडेंट्स और दीगर अज़ा जिस्मानी सरगर्मियों के लिए तवनाई फराहम करते हैं। इस फल में पोटाशियम की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे मसल्स उखड़ने का खतरा कम होता है, जबकि सोजर्स में भी कमी आती है। जिस्मानी वजन में कमी। तरबूज में मौजूद पानी एंटीऑक्सीडेंट्स, ग़िज़ाई अज़ा और फाइबर से जिस्मानी वजन में सेहतमंद कमी आती है। इस तहकीक से दरियाफ्त किया गया है कि रोज़ाना तरबूज खाने से जिस्मानी वजन में कमी का अमल तेज़ हो जाता है, क्योंकि पेट भरने का एहसास ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है और भूख कम लगती है,
जिससे बेवक्त खाने की ख्वाहिश कम होती है। बीज खाने से कोई नुकसान नहीं होता, तरबूज के बीज निगलने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इनमें ऐसे मुतअद्दिद अज़ा मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए मुफीद होते हैं। हमेशा याद रखें कि एक माकूल मिकदार में तरबूज का इस्तेमाल करें, और अगर आपको किसी खास बीमारी या हालत की वजह से मुश्किलात हो तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। सो फ्रेंड्स, ये थी तरबूज वाटरमेलन की बेनिफिट्स जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर की। आई होप यू लाइक इट। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दे। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो व्यूवर्स, फिर मिलते ही न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।